सीमा हैदर मामले पर पाकिस्तान के एक पत्रकार का कहना है कि मेरी चिंता उनके एजेंट होने या भारत जाने पर नहीं है। वहां एजेंट होगी तो भारत की एजेंसियां उन्हें पकड़ लेगी। मेरी चिंता सीमा के जाने के बाद सिंध के हिंदुओं को मिल रही धमकियों को लेकर है, जो हमारी सोच को दिखाता है। क्या यहां विवाद बढ़ेगा, देखते हैं अंदर की बात। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की चर्चा इस वक्त सरहद के दोनों तरफ हो रही है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग उन्हें आईएसआई का एजेंट बता रहे हैं और शक की नजरों से देख रहे हैं, तो वहीं कुछ उनकी लव स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं। सुनने में आया है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक दावा यह भी किया जा रहा है कि सीमा दरअसल भारत की एजेंट थी, जो 10 साल से पाकिस्तान में रह रही थी और अब अपने मुल्क वापस लौट गई। हालांकि इन दावों का सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान से खबर आई थी कि सीमा हैदर के जाने के बाद से सिंध का हिंदू समुदाय डरा हुआ है। कट्टरपंथियों की धमकियों के चलते लोगों ने अपने घरों से निकलना और मंदिर जाना छोड़ दिया है। अधिकारियों ने उत्तरी सिंध में मंदिरों में पुलिस तैनात की है। स्थानीय डकैतों ने सीमा को वापस लेने की धमकी दी है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह खान ने मामले पर संज्ञान लेते हुए हिंदुओं की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीमा दो बार नेपाल जा चुकी है, दुबई जा चुकी है, तो जिस तरह उन्होंने ये सब किया वहाँ सोचने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस।